स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। आज के इस सेशन से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है एंड कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहेंगे ये वीडियोस एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्वाइट हेल्प मिल सकती है। सेकेंडली, यहाँ पे टर्म्स ऑल्सो आई यूज टोटली टर्म्स जो है वो भी मैं हिंदी में ही यूज करूंगी, सो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 1, क्योंकि मेन टारगेट है अभी तो 12th बोर्ड के एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स 2021 में देंगे प्लस नीट का जो एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों की प्रायोरिटी है। तो 12th से हम स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ही शेड्यूल क्लियर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि किन किन डेज में 12th के एंड 11th के वीडियोज अपलोड होंगे। यहाँ चैप्टर फर्स्ट आपका है जीवों में जनन। जब हम चैप्टर फर्स्ट स्टडी करते हैं क्लास 12th का, तो ये चैप्टर है आपका जनरल चैप्टर है। यूनिट जो है वो याद रखिए, यूनिट 1 क्लास 12th की आपकी पूरी की पूरी प्रजनन और जनन से संबंधित है। फर्स्ट चैप्टर में हम जीवों में जनन को स्टडी करते हैं। दूसरा जो चैप्टर आपका है उसमें हम पुष्पीय पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में ह्यूमन मनुष्य में प्रजनन की विधि को स्टडी करते हैं। फोर्थ एक आपका सामान्य चैप्टर है जिसमें हम जनसंख्या को नियमित करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा राइटिंग में मुझे डिफिकल्टी, मतलब एज सच डिफिकल्टी नहीं है बट स्पीड थोड़ा कम है लिखने की, तो मैक्सिमम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायग्रामेटिकली। फर्स्ट जब हम प्रजनन पढ़ते हैं तो प्रजनन आप याद रखिए, जीवों में जनन हम पढ़ रहे हैं तो प्रजनन क्या है। प्रजनन जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे याद रखिए अपने ही समान जीवों के निर्माण की प्रक्रिया, अपने ही समान जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। अब जब अपने ही समान जीव हम पढ़ते हैं, जीव मतलब जंतु और पौधे दोनों आते हैं। जब आप आम के बीज को सॉइल में डालते हैं तो उसके द्वारा एक नए आम के पौधे का ही निर्माण होगा। दूसरा, आप अमीबा में द्विखंडन पढ़ते आ रहे हैं, जीवाणुओं में द्विखंडन की विधि पढ़ी है, बहुखंडन की विधि पढ़ी है, हाइड्रा में आपने मुकुलन को पढ़ा है। तो ये जितनी भी विधियां हैं इन समस्त विधियों में आप पढ़ते आ रहे हैं कि इन समस्त विधियों में जीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने ही समान संतति का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। जब हम जीवों में प्रजनन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो प्रजनन की प्रक्रिया के साथ साथ हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग करते हैं जिसको हम कह रहे हैं जीवन काल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवों में जीवन काल का तात्पर्य क्या है। तो जीवन काल का मीनिंग होता है, जीवन काल का मुख्य अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक का किसी भी जीव में जो समय निर्धारित है वो समय उस जीव का जीवन काल कहलाता है। तो सिंपल इसमें आप याद रखिए, जन्म से मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। पहली कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है जीवन काल के आधार पर जो जीव है वो एक वर्षीय, द्विवर्षीय अथवा बहुवर्षीय हो सकते हैं। एक वर्षीय द्विवर्षीय का मीनिंग सभी क्लियर है आपको, जो एक वर्ष में जीवन काल समाप्त करते हैं उनको एक वर्षीय, जिनमें दो वर्षीय जीवन काल वो द्विवर्षीय, और बहुवर्षीय मनुष्य है, पक्षी है और वृक्ष आप अपने आसपास देखते हैं, ये सभी बहुवर्षीय में आते हैं क्योंकि इनका जीवन काल 3 वर्ष से अधिक होता है। अब जब आप जीवन काल पढ़ते हैं तो जीवन काल, प्रत्येक जीव का जीवन काल कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में समाप्त होता है। तो जीवन काल में मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, उन अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो जब आप जीवन काल की अवस्थाएं देखते हैं तो मुख्य रूप से याद रखिए, जीवन काल में कितनी अवस्थाएं, प्रत्येक जीव के जीवन काल में मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है। जो पहली प्रावस्था है, पहली प्रावस्था को हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। दूसरा आप याद रखिए, जो दूसरी प्रावस्था है जिसके लिए हम पूरा का पूरा यूनिट और चैप्टर पढ़ेंगे
वो प्रावस्था आपकी होती है प्रजनन प्रावस्था। तो जीवन काल की दूसरी प्रावस्था आप याद रखिए, प्रजनन प्रावस्था कहलाती है। तृतीय प्रावस्था जीवन काल की आप याद रखिए, इसको सामान्य रूप से जरावस्था कहा जाता है, अथवा पौधों में इसको आप एक अलग टर्म यूज करते हैं जिसको हम कह रहे हैं विलगन। तो यहाँ पर ये याद रखिए, जरावस्था जंतुओं के लिए और विलगन प्रावस्था हम प्रयुक्त करते हैं पौधों के लिए। जब जरावस्था समाप्त होती है उसके पश्चात जीवन काल की अंतिम प्रावस्था है जिसे हम कहते हैं मृत्यु प्रावस्था। जब आप मृत्यु प्रावस्था पढ़ते हैं तब आप याद रखिए, मृत्यु में हम किस मृत्यु का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे मृत्यु प्रावस्था में मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक मृत्यु का। जो एक्सीडेंटल कॉज के कारण मृत्यु होती है उसको जीवन काल में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो प्राकृतिक मृत्यु को मृत्यु प्रावस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम यहाँ पे उनके मुख्य लक्षण पढ़ते हैं। वृद्धि प्रावस्था का मतलब आप याद रखिए, वृद्धि प्रावस्था मतलब जो शरीर है वो सतत विभाजन के द्वारा शारीरिक रूप से, कार्यकी रूप से व उपापचयी रूप से वृद्धि प्रदर्शित करता है, तब उस प्रावस्था को वृद्धि कहते हैं। सामान्यतः वृद्धि में दो प्रकार की वृद्धि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, प्राथमिक वृद्धि एवं द्वितीयक वृद्धि। वो वृद्धि की प्रावस्थाएं आप याद रखिए, कोशिकाएं विभाजित होंगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, एंड समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन के पश्चात आकार और माप में शरीर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता है। जब एक निश्चित वृद्धि, इसको हम कायिक वृद्धि भी कहते हैं क्योंकि शरीर कायिक रूप से वृद्धि को प्राप्त करता है, जब कायिक वृद्धि पूर्ण होती है उसके निश्चित समय के पश्चात शरीर में प्रजनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। प्रजनन प्रावस्था पुनः तीन भागों में विभाजित है। पहली आपकी होती है अग्र प्रजनन प्रावस्था, या जिसमें हम पढ़ते हैं युग्मक जनन व निषेचन की प्रक्रिया। तो एक इसमें प्रावस्था आप याद रखिए युग्मक जनन, युग्मक जनन के पश्चात निषेचन की प्रावस्था है, और निषेचन के पश्चात पश्च निषेचन प्रावस्था स्टडी करते हैं। पौधों एवं जंतुओं में पश्च निषेचन प्रावस्थाओं में होने वाले कुछ परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं, तो पश्च निषेचन प्रावस्था मुख्य रूप से यह प्रावस्था याद रखिए भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्था है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे याद रखिएगा, पश्च निषेचन प्रावस्था में मुख्य रूप से क्या मिलेगा अपने को, भ्रूण के परिवर्धन की प्रावस्था की द्विगुणित जाइगोट किस तरह से भ्रूण में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात देखिए, अगर आप पौधों में देखते हैं तो वृद्धि के पश्चात पुष्प का निर्माण होगा जो प्रजनन प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, और फिर उसके पश्चात विलगन। विलगन का मीनिंग होता है कि प्रत्येक वर्ष आप वृक्षों में देखते हैं कि पत्तियां पीली होती है और उसके पश्चात वो कुछ समय के पश्चात मुख्य पौधों से पृथक हो जाती है, और पुनः जो वृक्ष है या बहुवर्षीय पौधे हैं वो पुनः वापस किस अवस्था को आ जाएंगे, वृद्धि प्रावस्था, मतलब उनमें पुनः नई पत्तियों और शाखाओं का निर्माण होना प्रारंभ होता है। परंतु जंतुओं में या मनुष्य में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मनुष्य एवं जंतुओं में जब वृद्धि प्रावस्था समाप्त होती है तब वो प्रजनन प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। प्रजनन प्रावस्था के समाप्त होने के पश्चात वो काम पे प्रवेश करेंगे जरावस्था में। तो जंतुओं में होने वाली प्रावस्थाएं केवल एक दिशा में चलती है, परंतु पौधों में याद रखिए विलगन के बाद फिर से पौधे जो है बहुवर्षीय पौधे पुनः किसमें प्रवेश करेंगे, वृद्धि की प्रावस्था, प्रजनन प्रावस्था, और पुनः अगले वर्ष उसी सीजन में विलगन या पत्तियों का पीला होके उनसे उनका पृथक्करण हम देखते हैं। जरावस्था हम मनुष्य और जंतुओं में देखते हैं। जरावस्था के लक्षण आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स में भी देखते होंगे। तो जरावस्था का मतलब है कि धीरे धीरे शरीर में जो कार्यकी और उपापचय वृद्धि हो रही थी उसमें कमी आना प्रारंभ होती है, और जरावस्था में आप सामान्य रूप से जो देख रहे हैं जरावस्था में आंखों की रोशनी का कम होना, स्किन या त्वचा के ऊपर झुर्रियों का आना, बालों का सफेद होना, अंग जो शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगक तंत्र हैं
उन अंगक तंत्रों की कार्य करने की दर जो है वो धीरे धीरे कम होती है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये सब पूरी जो लक्षण है वो सभी लक्षण मनुष्य में और अथवा जंतुओं में जरावस्था के होते हैं। जरावस्था के पश्चात याद रखिए जो शरीर है वो किसको प्राप्त करता है, मृत्यु प्रावस्था। जब आप यहाँ पे मृत्यु प्रावस्था पढ़ते हैं तब आप याद रखिएगा मृत्यु प्रावस्था का मीनिंग है कि शरीर द्वारा अथवा शरीर में उपापचय तथा संवेदना का समाप्त होना। जब संवेदनाएं समाप्त हो रही है शरीर में, उपापचय की दर समाप्त हो रही है या उपापचय क्रियाएं बंद हो रही है, तब उसे वैज्ञानिक रूप में हम कहते हैं मृत्यु। तो ये चार प्रावस्थाएं याद रखिए। अब इन प्रावस्थाओं में मुख्य जंतु और पौधों में एक ही अंतर है कि पौधों में ये प्रावस्थाएं प्रत्येक वर्ष रिवर्स डायरेक्शन में होते रहती है, परंतु जंतुओं में, समस्त जंतुओं में, मनुष्यों में एक प्रावस्था के समाप्त होने के बाद दूसरी प्रावस्था होगी। जब कोई भी जीव अथवा जंतु प्रजनन प्रावस्था में प्रवेश करता है तो वह पुनः कायिक प्रावस्था में अथवा वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये पार्ट याद रखिए। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं प्रजनन के मुख्य प्रकार। तो जब आप प्रजनन के प्रकार पढ़ते हैं तो प्रजनन के प्रकारों में मुख्य रूप से हम दो प्रकारों का अध्ययन करते हैं। प्रजनन के प्रकार आपके पास दो हैं। एक आप नॉर्मली थ्योरी में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि प्रजनन दो प्रकारों से संपन्न होता है अलग अलग जीवों में। पहला प्रकार है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा आपका है लैंगिक प्रजनन। ये याद रखिए मुख्य अंतर जो है अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण सामान्यतः अनुपस्थित होता है, परंतु लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है। निषेचन की प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन में अनुपस्थित है, परंतु लैंगिक प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप याद रखिए निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होना एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। दूसरा, जब आप पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन तब आप पढ़ते हैं कि प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही पैतृक शरीर भाग लेता है तथा गैमिट के बगैर वहां पर प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो दिया हुआ है वहां पे गैमिट के साथ अथवा गैमिट के बिना। गैमिट के साथ का मीनिंग है कि सत्य गैमिट या ट्रू गैमिट्स का फॉर्मेशन या सत्य युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, परंतु अलैंगिक प्रजनन में युग्मक के समान विशिष्ट संरचनाएं बनती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप याद रखिए प्रजनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण अनुपस्थित है और प्रजनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण उपस्थित है। तो यहाँ पर मुख्य लक्षण अगर आप देखते हैं तो अलैंगिक प्रजनन में, दूसरा बोर्ड एग्जाम जिनको देना है वो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है डिफरेंस के फॉर्म में या अंतर आपको आता है कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में विभेद करिए या स्पष्ट अंतर लिखिए। तो फोर्स तो देखिए केवल एक पैतृक भाग लेते हैं, यहां पर याद रखिए एक अथवा दो पैतृक भाग लेते हैं। एक पैतृक कब लेंगे, जब द्विलिंगी होंगे या बाइसेक्सुअल है। दो पैतृक कब होंगे, जब यूनिसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगे। दूसरा अंतर याद रखिए युग्मक के समान संरचना है पर युग्मक अनुपस्थित है यहाँ पर, और यहाँ पे याद रखिए जो युग्मक उपस्थित पाए जाते हैं वह युग्मक कैसे होंगे, लैंगिक प्रजनन में युग्मक उपस्थित है। निषेचन पूर्ण रूप से अनुपस्थित, और यहाँ पर याद रखिए निषेचन की प्रक्रिया उपस्थित होती है, एंड निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर याद रखिए लैंगिक प्रजनन में जाइगोट प्रेजेंट या उपस्थित, और यहाँ पर याद रखिए जाइगोट अनुपस्थित
परंतु विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है, विशिष्ट संरचना का निर्माण। ये विशिष्ट संरचनाएं क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं सामान्य रूप से बीजाणु होती हैं, मुकुलन के द्वारा कलिका का निर्माण होता है, और गैम्यूल आप पढ़ते हैं पोरीफेरा के सदस्यों में, तो वो विभिन्न प्रकार की संरचना है। जो महत्वपूर्ण अंतर एक और है वो याद रखिए, जो उत्पन्न होने वाली संतति है उस संतति को यहाँ पर हम कहते हैं, संतति को क्लोन कहा जाता है। तो संतति यहाँ पर है क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होते हैं ये हम अलैंगिक प्रजनन में पढ़ेंगे, और लैंगिक प्रजनन के द्वारा आप याद रखिए जो उत्पन्न संतति है उत्पन्न संतति को संकर कहा जाता है, क्योंकि दो युग्मक भिन्न भिन्न पैतृक से आते हैं और ये दो युग्मक भिन्न भिन्न पैतृक के से प्राप्त होके निषेचन के पश्चात एक नई संतति निर्मित करते हैं, और इस संतति में दोनों ही पैतृकों के लक्षण उपस्थित होते हैं। तो ये जो संतति है लैंगिक प्रजनन की संतति याद रखिए पैतृक पीढ़ी से भिन्नता प्रदर्शित करती है, परंतु अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति पैतृक के साथ पूर्ण रूप से समानता या साम्यता प्रदर्शित करती है आकारिकी में और अनुवांशिकी में, इसलिए उसको आप क्या कह रहे हैं क्लोन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से अंतर को याद रखने के पॉइंट्स याद रखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन। सो अलैंगिक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हैं। जब हम अलैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक प्रजनन में आप याद रखिए अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों में पहले हम पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे याद रखिए प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक पैतृक भाग लेते हैं, दूसरा युग्मक निर्माण निषेचन व जाइगोट का निर्माण पूर्णतः अनुपस्थित, तीसरा आप याद रखिए अलैंगिक प्रजनन जब आप पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक प्रजनन का तीसरा लक्षण याद रखिए सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में अलैंगिक प्रजनन याद रखिएगा सामान्य रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, और महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पर है उत्पन्न होने वाली संतति कार्यकी तथा आनुवांशिकी अथवा कार्यकी को आप आकारिकी भी याद रख सकते हैं, आकारिकी तथा आनुवंशिकी में पैतृक के समान, अतः इसे क्लोन कहते हैं। तो ये पार्ट याद रखिए कि इसको आप क्या कह रहे हैं क्लोन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं क्लोन, क्योंकि जो संतति उत्पन्न हो रही है वो सामान्य रूप से आकारिकी और आनुवंशिक में पैतृक के साथ ही साथ अपने अन्य जीवों से समानता प्रदर्शित करती है। तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि एक समय के पश्चात कौन सी संतति है और कौन से पैतृक जीव होते हैं। जब हम अलैंगिक प्रजनन के प्रकार पढ़ते हैं तो अलैंगिक प्रजनन के यहाँ पर प्रकार अथवा हम पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। विधियों को जब आप स्टडी करते हैं तो विधियों में देखिए पहली जो विधि है पहली विधि को हम सामान्य रूप से कहते हैं विखंडन। विखंडन में हमको दो प्रकार यहाँ पे विखंडन के पढ़ना है। फर्स्ट एक हम पढ़ते हैं द्विखंडन और दूसरा आप पढ़ते हैं बहुखंडन। ये पार्ट याद रखिए
दूसरा जो है आपका प्रकार वो है आपका कलिका निर्माण अथवा मुकुलन। तो अलैंगिक प्रजनन का दूसरी विधि मुकुलन की विधि है। इसमें दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। मुकुलन हम ईस्ट में पढ़ते हैं और मुकुलन की प्रक्रिया हम मुख्य रूप से स्टडी करते हैं किसमें, ईस्ट के साथ साथ आपको स्टडी किसमें पढ़ना किसमें है, हाइड्रा में। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल और तीसरे प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की विधि, उस विधि को आप सामान्य रूप से कहते हैं बीजाणु जनन। सो बीजाणु जनन अथवा बीजाणु के निर्माण के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से मिलता है। दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु। तो यहाँ पे देखिए बीजाणु दो प्रकार के होंगे, चल बीजाणु एवं अचल बीजाणु। चल बीजाणु को ही हम कहते हैं अंतर्जाल बीजाणु और अचल बीजाणु को हम कहते हैं बहिर्जाल बीजाणु। और फोर्थ आप टाइप याद रखिएगा, ये विशिष्ट प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं गैम्यूल निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन। गैम्यूल निर्माण मुख्य रूप से याद रखिए, गैम्यूल निर्माण की विधि मुख्य रूप से स्पंज अथवा स्पंज को ही आप कह रहे हैं पोरीफेरा संघ के सदस्य। तो पोरीफेरा संघ के सदस्यों में अथवा स्पंज में एक विशिष्ट विधि है अलैंगिक प्रजनन की, जिसे हम कहते हैं गैम्यूल निर्माण। तो ये इतने पार्ट्स आपको याद रखने हैं, आज इतना ही हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन पार्ट्स को, क्योंकि सेशन बहुत लॉन्ग होगा, तो इस पार्ट में आप याद रखिए, जो नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन की इन चार विधियों को डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पौधों में कायिक प्रजनन उपस्थित होता है या क्यों पौधों में हम अलैंगिक प्रजनन को सामान्यतः कायिक प्रजनन कहते हैं। तो ये आप नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, आज यहीं पर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक में, यही टॉपिक नहीं, आप अपने लेवल पे अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उस टॉपिक में भी अगर आपको कहीं डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस और डाउट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक वर्क करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।